हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म गाइस। सो गाइस, एक और गुड न्यूज़ है फॉर जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, और पर्टिकुलरली उनके लिए जिनका क्वालिफिकेशन 10th है। आपके लिए एक और गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि पोस्ट ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर की ब्रांच जो है श्रीनगर में, वहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। ये ऑनलाइन कहीं इसका अप्लाई ऑनलाइन नहीं करना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने बताया, ये गुड न्यूज़ है 10th वालों के लिए जिनका 10th क्वालिफाई हुआ है। इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको 10th ही चाहिए और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ एक इंटरव्यू आपका होगा। और कैसे अप्लाई करना है वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपको भी पता है जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और जो वैकेंसीज आती हैं, जो नोटिफिकेशंस आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या SSB या PSC की तरफ से हो, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स, पर्टिकुलरली जो 10th 12th वाले हैं, या जिन्होंने पहले 10th या 12th किया है, वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और फिर कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस आती हैं, जैसे आज ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं, इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, इंटरव्यू है। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन जाती है, एक गवर्नमेंट जॉब में, सर्विसेज में जाना। अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत अच्छा है कि आपको कहीं पे काम करने का मौका मिलेगा, और ये अच्छी जॉब है, ठीक है। कौन सी जॉब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें अप्लाई करने का तरीका, प्रोसेस थोड़ा अलग है, JKSSB और JKPSC से टोटली डिफरेंट है। सो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और कलीग्स में। और आपको ये भी बता दूं कि जो मैं आपके साथ PDF यहाँ पे शेयर करूँगा नोटिफिकेशन का, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप, यानी स्टडी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैथ्स एकेडमी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, MADS एकेडमी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन है जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। ये थोड़ा ब्लर्ड है क्योंकि ये मुझे भी ऐसे ही मिला, लेकिन आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, ऑफिस ऑफ द सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर का है, पोस्टल डिवीजन कॉम्प्लेक्स, GPO कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में है ये। आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ये यहाँ का ईमेल एड्रेस भी है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ JK गवर्नमेंट, हाँ ठीक है। और वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ पे मैं सारे डिटेल्स, अब इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन थोड़ा इसके पढ़ लूँ, तो आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको ये सारा जो है डिटेल में आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं कैसे आपको चीज़ें देखनी है। तो ये एक ऐप है JK क्रोम करके ऐप, और शायद आप लोगों ने ज़रूर इसको डाउनलोड भी किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड मिल जाती हैं। सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, JNK पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2021, और इसी में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, सो डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, नेम ऑफ द पोस्ट डायरेक्ट एजेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ PLI। PLI बेसिकली है क्या? PLI है पोस्टल जो है लाइफ इंश्योरेंस का है ये, आई थिंक पोस्टल, ये ठीक है, पोस्टल इंश्योरेंस के रिलेटेड है ये इसकी जॉब। और एज जो है इसमें मिनिमम आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स की एज यहाँ पे होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, क्वालिफिकेशन आपको ओनली और ओनली 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, और इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड। इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पे मतलब हो गया, अगर आपके पास 10th नहीं है, आपने डायरेक्टली डिप्लोमा किया है, या कोई और जो है इक्विवेलेंट डिग्री होगी, वो यहाँ पे एलिजिबल है बाय द बोर्ड रिकग्नाइज बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट।
डिजायरेबल यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स, तो ये इंश्योरेंस के रिलेटेड ही है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस स्कीम या किसी इंश्योरेंस कंपनी में आपने अभी तक जॉब किया है, आपके पास अगर इंश्योरेंस के रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ये डिज़ायरेबल है। बाकी 10th के सारे भी कोई भी इसमें एलिजिबल है। अलॉन्ग विद नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, LIC वगैरह का जो लाइफ इंश्योरेंस है, नॉलेज ऑफ PLI, ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और ये रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, RPLI प्रोडक्ट्स, एंड नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। शायद इसका यही फॉर्म है। R का यहाँ पे मतलब है रूरल, P का है पोस्टल, और L का है आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं कैटेगरीज कौन इसमें एलिजिबल हैं, अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, यूथ, एक्स सर्विसमैन, एजेंट्स, एक्स एजेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, एक्स सर्विसमैन, आंगनबाड़ी वर्कर्स, महिला मंडल वर्कर्स, एक्स सर्विसमैन, ये सारे बेसिकली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है? डॉक्यूमेंट शेल ब्रिंग कैंडिडेट्स सॉरी डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें कैंडिडेट शेल ब्रिंग एन ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, पहले ओरिजिनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और कैंसल्ड चेक आपके पास साथ होनी चाहिए। फिक्स फर्स्ट पेज ऑफ जीरोक्स और मिनी स्टेटमेंट एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ दी सेम ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। सो इसमें जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसमें डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है कुछ, ये भी आपको बहुत ज़रूरी जानना है। ऑन द बेस ऑफ द परफॉर्मेंस, इंटरव्यू के परफॉर्मेंस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हो जाएंगे। डायरेक्ट एजेंट्स, अब आप बोलेंगे पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट है बेसिकली डायरेक्ट एजेंट्स ऑफ PLI/RPLI, डायरेक्ट एजेंट्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्लैश रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे देखते हैं, सक्सेसफुल जो कैंडिडेट रहेंगे इसमें, जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, उनको ट्रेनिंग होगी, पास दी लाइसेंसशिप एग्ज़ाम इन ड्यू कोर्स। उसके बाद एक और जो एग्ज़ाम होता है इसके, दे शैल बी पेड रिन्यूअल कमीशन ऑफ PLI प्रोक्योर्ड बाय हेम हर एट द रेट ऑफ प्रिस्क्राइब डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट। क्या सैलरी वगैरह रहेगी, ये सारी आपको उसके बाद ही पता चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5,000 का एक बॉन्ड भी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें 5,000 का एक रिफंडेबल बॉन्ड, आई थिंक रिफंडेबल है बॉन्ड, आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, द एंगेजमेंट इज प्योरली कमीशन बेस्ड, तो जो ये एंगेजमेंट रहेगी ये कमीशन बेस्ड रहेगी एंड कैन बी टर्मिनेटेड, इट कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम। गाइस, जो अनएम्प्लॉयड है या जो जिनको जॉब की ज़रूरत है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये कमीशन बेस पे हैं, जितना आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, जितना आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, उतना आपको ये कमीशन मिलता रहेगा। सो एक अच्छा यहाँ पे ग्रो करने का आपको मौका मिलेगा। और इंटरव्यू के लिए ये सारी डिटेल्स, बाकी ये सारा है। एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट डाउन करनी है, जहाँ पे आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपको होगा इंडिया ऑफिस ऑफ द सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, ठीक है। इस एड्रेस को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। श्रीनगर पोस्टल डिवीजन है, जो GPO कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में है। इसका जो फ़ोन नंबर है वो ये है, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है फॉर एनी फर्दर, अगर आपको इंक्वायरी कोई करनी है तो। इस एड्रेस को नोट डाउन कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लें आप, ठीक है। बाकी मैं इसको PDF डाल दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन इस सेक्शन का यहाँ पे, क्योंकि यहीं इसी एड्रेस पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो अब मैं आपको जो है इसका PDF दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि इंटरव्यू कब होगा, किस टाइम पे होगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटरव्यू आप जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा, जो कि है थर्सडे, 10:30 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा आपका। और एड्रेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, GPO कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में, ठीक है, फॉर एंगेजमेंट ऑफ डायरेक्ट एजेंट,
इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज 18 मिनिमम और 50 मैक्सिमम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th की ज़रूरत है डिज़ायरेबल, वो सारा मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। कैटेगरीज कौन अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, और 5,000 का बॉन्ड, साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से साथ लेने हैं वो ये वाला सेक्शन आपको पढ़ना है। आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए, सारे ओरिजिनल होने चाहिए, और साथ में ही आपको दो दो या दो तीन फोटो कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की साथ लेनी चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट की साथ लेनी ही लेनी है, ठीक है। और उसमें सेल्फ अटेस्ट भी करना है आपको, और यहाँ पे आपको साथ में पैन कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेने हैं, कैंसिल चेक लेनी है, और फर्स्ट पेज ऑफ का जीरोक्स रहेगा इसका, और साथ में ही आपको जो है डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे उनकी दो दो कॉपीज विद सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कब है आपका, 29th ऑफ जुलाई में आपका इंटरव्यू है, यानी इसी महीने, इस डेट को भी नोट डाउन कर लीजिए। और कितने बजे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, 10:30 बजे आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला है। बाकी सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं, और फिर से ये एड्रेस रहेगा, ठीक है, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया एड्रेस, इसी एड्रेस पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें आपको अप्लाई नहीं करना है पहले कहीं पे भी, आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है, और 29th को आपका इंटरव्यू होगा। सो प्लीज़ ये नोटिफिकेशन अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप इसमें जो है एक अच्छी यहाँ पे जॉब मिल सकती है आपको, आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट था, इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन था आपके साथ शेयर करना। चैनल के साथ बने रहिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और कोई और भी अगर डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लें आप। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, और चैनल के साथ बने रहिए।